नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के बारे में। इनमें से बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट है वो आपके लिए अच्छी रहेगी, क्या सैलरी है सभी में, क्या काम करना पड़ेगा। कंप्लीट डिटेल में हम इनके मध्य कंपैरिजन है वो करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखेगा। मैं आपको तैयारी से लेकर और आपके वर्क और सैलरी सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा कि आपको एक्स की तैयारी करनी चाहिए या फिर वाई की। एक्स अच्छी रहती है, वाई अच्छी रहती है, तो सभी आपको बेनिफिट्स और डिमेरिट्स सभी डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो को देखेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड्स यदि आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में जीरो से लेकर और ज्वाइनिंग तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं बेझिझक। कोई भी आपकी क्वेरी हो स्टार्टिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक सभी आपको सॉल्व हो जाएगी। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, उसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करें आपके शुरुआत से ही बिल्कुल एक्स एंड वाई। सबसे पहले तो देखिए थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं कि एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। तो एक्स ग्रुप है वो आपकी एक टेक्निकल ट्रेड होती है और वाई ग्रुप है ये आपकी नॉन टेक्निकल ट्रेड होती है। इसके लिए जो स्टूडेंट्स है वो टेक्निकल वाले ही अप्लाई कर पाते हैं, यानी कि या तो उनके पास 12th PCM से होना चाहिए या फिर उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। वाई ग्रुप की यदि मैं बात करूँ तो ये आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस 12वीं पास होना चाहिए, 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करूँ तैयारी की उससे, तो तैयारी के लिए देखिए बात करें एक्स और वाई दोनों में से किसकी तैयारी आसानी से की जा सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए कंपटीशन की यदि हम बात करें तो कंपटीशन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में वाई ग्रुप की तुलना में बहुत बहुत कम है। यदि आप टेक्निकल ट्रेड से हैं यानी आपने 12th PCM से किया हुआ है तो आप वाई ग्रुप के चक्कर में बिल्कुल ना आवें, आप एक्स ग्रुप के लिए तैयारी करें। बिकॉज एक्स ग्रुप में तैयारी करना आसान होता है और यहाँ क्योंकि आपका 12th का पढ़ा हुआ सब कुछ आता है। यदि आप NCERT कवर कर लेते हैं आपका 11th एंड 12th का, ठीक है, और यहाँ पर आपको GK रीजनिंग उसमें थोड़ा सा आपको आउट ऑफ सिलेबस भी मतलब कि थोड़ा अपर लेवल से मिल जाता है, इसलिए स्कोर नहीं कर पाते हैं। एक्स ग्रुप में बात करें तो मैथमेटिक्स आती है आपकी, फिजिक्स आती है, इंग्लिश आती है। बात करें वाई ग्रुप में तो वाई ग्रुप में आपका राग है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस और GK और इंग्लिश आती है आपकी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम वर्क और सैलरी के बारे में, ठीक है। ये होती है हमारी, ये वहाँ तक की बात हुई कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी किसके लिए तैयारी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि भाई वाई ग्रुप में तो स्टूडेंट्स पास ही नहीं होते, नहीं वाई ग्रुप में होते हैं लेकिन कंपटीशन एक्स की तुलना में थोड़ा सा कहीं ज़्यादा है। कंपटीशन दोनों में है लेकिन वाई में एक्स की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। इसके पीछे रीज़न है कि एक तो इसके अंदर ओनली PCM वाले स्टूडेंट्स ही आ पाते हैं, ठीक है, जिन्होंने 12th किया है, बट इसमें स्टूडेंट्स वो भी आ जाते हैं जो SSC के लिए प्रेपरेशन भी कर रहे होते हैं और अदर एग्ज़ाम्स के लिए, और उनके लिए एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। यदि किसी की एज कम है और वो SSC वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको काफ़ी मदद मिलती है, और आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा फॉर्म इसके अंदर अप्लाई होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा होता है, राइट। अब हम बात करें इसकी सैलरी के बारे में, तो देखिए सैलरी की बात करें एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के बारे में, एक्स ग्रुप की सैलरी है जो वाई ग्रुप की तुलना में ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मैं बात करूँ आपका बेसिक पे स्केल ट्रेनिंग, आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें 19,000 या 21,000 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो इतनी सैलरी आपको बेसिक जो आपकी ट्रेनिंग होती है एक्स एंड वाई के अंदर आपको बराबर सैलरी मिल दी जाती है, ठीक है, दोनों के अंदर बराबर सैलरी दी जाती है। 19,000 लिखा होता है बट इतनी नहीं मिलती क्योंकि उसमें आपका जो खर्चा रहता है वो सभी काट पीट कर आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से 13-14 के आसपास इतने आपको पैसे मिलते हैं, बाकी वो आपकी कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने पैसे कटते हैं। फाइनली यदि हम बात करें तो आपकी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद यदि हम एक्स ग्रुप की बात करें तो 45,000 के आसपास हो जाती है, वाई ग्रुप की बात करें तो 39 या 40 के आसपास हो जाती है। अब यहाँ पर बात करें एक्स ग्रुप की सैलरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है वाई ग्रुप की तुलना में, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो फ्रेंड्स रीज़न अब हम आपको बताने वाले हैं वर्क में काम क्या करना पड़ता है,
देखिए एक्स ग्रुप के अंदर आपको टेक्निकल ट्रेड दी जाती है, वाई ग्रुप के अंदर आपको नॉन टेक्निकल ट्रेड दी जाती है। जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर गए होंगे, आपने एयरमैन्स देखे होंगे जो आपका फेज़ टू लेते हैं या फेज़ थ्री लेते हैं, वो आपने देखा होगा, और फेज़ वन में भी आते हैं। तो वो एयरमैन होते हैं वो वाई ग्रुप के होते हैं, ठीक है, उनकी नॉन टेक्निकल ट्रेड होती है। आपका जो मेडिसिन हो यानी मेडिकल लेते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो भी वाई ग्रुप से होते हैं। एक्स ग्रुप में आपकी जो वर्क है वो टेक्निकल होता है, थोड़ा सा हैवी वर्क होता है। अब यहाँ पर बात करें कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। देखिए एक्स ग्रुप की जो ट्रेड है वो टेक्निकल है, थोड़ा सा इसका नाम है वो ऊंचा है वाई की तुलना में। यदि आप वर्क अच्छा कर लेते हैं, यदि आप मेहनत अच्छा कर लेते हैं तो आप एक्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी अच्छी मिलेगी लेकिन वहाँ पर आपको इसकी तुलना में काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। वाई की तुलना में आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको टेक्निकल ट्रेड्स हैं वो दी जाती है, एयरक्राफ्ट में आपको काम करना पड़ सकता है, और भी कई सारी टेक्निकल ट्रेड वहाँ पर मिलती हैं अलग अलग, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि मैं काम स्लो करता हूँ या मुझे तो आराम चाहिए, मुझे पैसे की कोई नीड नहीं है, तो आप वाई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वाई ग्रुप के अंदर थोड़ा वर्क आपको कम करना पड़ता है, लिमिटेड वर्क करना पड़ता है, और आपकी सैलरी है वो वाई ग्रुप की तुलना में एक्स ग्रुप की तुलना में कम होती है। तो अब आपको दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। जी हाँ, यदि आप एक्स और वाई आपका दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो रखे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ, बट मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। आपके लिए वैसे बात की जाए नॉर्मल तरीके से तो वाई ग्रुप आपका बेस्ट होता है, वाई ग्रुप बेस्ट, एक्स ग्रुप भी काफ़ी अच्छा बेस्ट होता है, लेकिन बात वर्क के आधार पर किया जाए तो वाई ग्रुप बेस्ट होता है, और सैलरी और प्रमोशन के हिसाब से बात किया जाए तो आपका एक्स ग्रुप बेस्ट होता है। इसमें आपको आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऑफिसर बनने के भी चांसेस होते हैं एक्स ग्रुप के अंदर, बट वाई ग्रुप के अंदर चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वाई ग्रुप से जा रहे हो और आप ऑफिसर नहीं बन सकते या आप और भी आगे रैंक नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन इतना जल्दी नहीं कर सकते जितना एक्स ग्रुप वाले करते हैं। वही बात है कि भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना आप वर्क करोगे उसके हिसाब से आपको जो आपकी सैलरी है, पे अलाउंसेज है, वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। अब आपको पता है कि एक्स के अंदर टेक्निकल ट्रेड है तो टेक्निकल वर्क करना पड़ता है, टेक्निकल वर्क है जो आपका हैवी होता है, ठीक है, हैवी होता है तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, उसी की वजह से आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप की बात करें, इसमें सैलरी कम होती है बिकॉज इसमें आपको काम भी कम दिया जाता है, हल्का काम दिया जाता है। कुछ एक ट्रेड हैं जो आपकी टेक्निकल के बराबर वर्क लेती हैं तो वो आपको सैलरी भी बढ़ाकर देती है, बट ज़्यादातर पोस्ट में जैसे ऑटोमोबाइल की बात करें, ऑटोटेक की बात करें, तो काफ़ी सिंपल यहाँ पर आपको ट्रेड वाई ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। तो फ्रेंड्स अब फैसला रहता है आपके हाथ में, बट यदि देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, यदि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्जाम नहीं निकला है और आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं और आप पीसीएम से हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास है, तो आप वाई ग्रुप की तैयारी ना करके एक्स ग्रुप में करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए वहाँ पर यदि आप थोड़ा बहुत भी आपका 11th एंड 12th का याद है ना, तो 25 में से 6 से 7 क्वेश्चन तो आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स के तब कर पाओगे जब आप बुक भी नहीं उठाओगे। यदि आपको 11th 12th का थोड़ा बहुत है, नहीं है, बिल्कुल ही साफ है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। वाई देखिए एक्स ग्रुप की हम बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है वो 50% जाती है किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए, और 60% जाती है किसके लिए, AISL ऑल इंडिया सिलेक्शन लिस्ट के लिए। और बात करें वाई ग्रुप की तो फ्रेंड्स वाई ग्रुप की तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है। यदि हम बात करें आपके वाई ग्रुप के लिए तो आप देख सकते हैं कि कम से भी कम आपकी जो कट ऑफ है वो जाती है 70% से लेकर 80% के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो बिलोंग करती है। अब आप देख सकते हैं कि कहाँ तो आपका 50% है और कहाँ पर आपका 70% है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सा चूज़ करना चाहोगे। मैंने आपको दो तरीके से बताया है, या तो आपने अभी एयरफोर्स एक्स एंड वाई का एग्ज़ाम निकाला है, उनमें से आप चूज़ करना चाहते हैं कि मुझे कौन सी ज्वाइन करनी है, या फिर आप एक्स एंड वाई की तैयारी को लेकर वो हैं कि मैं कौन से ट्रेड के लिए तैयारी करूं।
जी हाँ, यदि आपके फिजिक्स और मैथ्स अच्छे हैं तो आप साथ में एज वेल हैज़ आप वाई ग्रुप की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 1000 से 1200 स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों निकला हुआ होता है, तो इसीलिए आप दोनों के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ज़्यादा अच्छा बेस्ट रहेगा कि आप एक के लिए तैयारी करें, एक चीज़ पर आप फोकस करोगे तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे और इजीली आप उसे गेट कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन आपने समझ ही लिया होगा, कोई भी आपको डाउट आता है इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहाँ पर मैसेज कीजिए, किसी भी तरह का डाउट इंडियन एयरफोर्स की एक्स ग्रुप वाई ग्रुप से लेकर नेवी डबल SSR कोस्ट गार्ड सभी आपकी क्वेरीज हैं वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।